हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड्स, आई एम शान, यू आर वॉचिंग एम शान 11। और कैसे हैं मेरे व्यूवर्स, तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। iOS 15 में कुछ ऐसे बग्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगा अभी iOS 15 आप ना ही डाउनलोड करें। वो कौन कौन सी डिवाइस है जिसमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। एंड 3 से 4 महीने का मेरा रिव्यू है iOS 15 के अंदर, जो मैंने iOS 15 यूज़ किया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली वो ब्लूटूथ के अंदर देखने को मिल रही है। जब भी मैं किसी अदर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करता हूँ या फिर एयरपॉड्स के साथ भी कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी लेगेंसी देखने को मिल रही है, कनेक्टिविटी में इश्यू देखने को मिले हैं मुझे कुछ। जब मैं उसे कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ कनेक्टिविटी में थोड़े से इशू देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास नॉइस एयरबड्स मिनी है, मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहली चीज़ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होते, आपको इसे कनेक्ट करना पड़ता है iOS के साथ, जबकि iOS 14 में भी सेम चीज़ थी। लेकिन iOS 14 में लेगेंसी देखने को नहीं मिल रही थी मुझे, लेकिन iOS 15 में मुझे लेगेंसी देखने को मिली, जो ब्रेक वॉइस कर जाती है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगी। जबकि सेम चीज़ मैं अगर एम्ब्रॉयड के साथ कंपेयर करूँगा तो कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिलती है। एम्ब्रॉयड के साथ जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये सिंपल से कनेक्ट भी हो जाते हैं, इजी वे है इनका, एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं एंड लेगेंसी देखने को मुझे नहीं मिलती है इसमें। तो ब्लूटूथ की मुझे काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम शो करी है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए देख लीजिए आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे शो करी है ब्लूटूथ के साथ। और जो सेकंड मुझे प्रॉब्लम शो कर रही है वो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे फेस करनी पड़ी है हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम, हॉटस्पॉट मिसिंग की प्रॉब्लम इसमें शो कर रही है। जब भी मैं किसी अदर डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ या फिर आईफोन के साथ भी कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हॉटस्पॉट मिसिंग की प्रॉब्लम शो करती है। मैं हॉटस्पॉट ओपन कर देता हूँ एंड ये अदर डिवाइस में हॉटस्पॉट शो नहीं करता है इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पर हॉटस्पॉट शो नहीं करेगा जबकि हमने हॉटस्पॉट ओपन कर रखा है। और एक और चीज़ में देखने को मिली है, हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है आपका। मैंने अभी आपके सामने ओपन किया एंड ये ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो चुका है हॉटस्पॉट, तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इसमें। और एक और चीज़, अगर ये आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको सेटिंग से जाके कनेक्ट करना पड़ता है। आप सेटिंग से जाके हॉटस्पॉट ओपन करोगे उसके बाद इसे सर्च करोगे तब हो सकता है 50% चांस है ये हो जाए, लेकिन ये समटाइम इशू आता है इसका जब मैं सेटिंग से ओपन करता हूँ हॉटस्पॉट को। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मुझे शो करी है रॉन्ग पासवर्ड की, जब भी पासवर्ड फिल करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग बताता है। अगर आप राइट पासवर्ड ही फिल कर रहे हो तब भी यहाँ पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। सम टाइम ये इशू देखने को मिला मुझे कई बार, ये फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है मेरे लिए, तो ये मुझे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगी। ये कनेक्ट हो चुका है जबकि हमने सेटिंग से कनेक्ट किया, तो ये हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम है। जो मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम लगी वो लगती है ऐप क्रैशिंग की। जब भी मैं कोई बड़ा ऐप डाउनलोड करता हूँ या चलाता हूँ, जैसे पिक्सार्ट वगैरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे मैं यूज़ करता हूँ, पिक्सार्ट हो गया, तो ये ऐप क्रैश हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऐप क्लोज हो जाता है। यही प्रॉब्लम लगी iOS 15 के अंदर थोड़ी सी मुझे। और वाईफाई में मुझे थोड़े से इशू देखने को मिले, लेकिन ये समटाइम इशू होते हैं, समटाइम आपका वाईफाई फर्स्ट टाइम में कनेक्ट हो जाता है, समटाइम्स ये थोड़े से एरर लेता है, जैसे कि आपका पासवर्ड रॉन्ग बताएगा, आप पासवर्ड फिल करोगे यहाँ पर, या फिर मिसिंग वाईफाई आप कह सकते हो, वाईफाई कभी कभी शो नहीं करता है इसमें, थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन ये समटाइम्स की प्रॉब्लम मुझे लगी, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं आई थिंक वाईफाई की। और जो मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम लगी वो लगी है फिंगरप्रिंट की। जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ देख लीजिए, फर्स्ट टाइम में ओपन नहीं हुआ ये, एंड ये 3 टाइम में, जबकि मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ था 3 टाइम में ये ओपन हो रहा है। ये कभी कभी मुझे देखने को मिली, तो मैंने कहा ये भी बता दूँ आपको, यही प्रॉब्लम iOS 15 के अंदर है, 14 के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बैटरी से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हुई है iPhone 7 और iPhone 6s में, काफ़ी ज़्यादा आपकी बैटरी प्रॉब्लम हुई है iOS 15 के अंदर, बैटरी ड्रेन होती है। एंड कुछ फ़ोनों में जो बड़े फ़ोन हैं उनमें तो बैटरी हेल्थ भी डाउन हुई है आपकी, जब iOS 15 आपने अपडेट किया होगा तो वहाँ पर बैटरी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बैटरी हेल्थ आपकी डाउन हुई है एंड बैटरी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ा है iOS 15 के अंदर। ये सारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो स्टोरेज में थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा 14 के कंपैरिजन में एंड 15 में, थोड़ा सा आपको यहाँ स्टोरेज में ही फ़र्क देखने को मिलता है, स्टोरेज आपकी थोड़ी सी ये कह लो बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज में ही फ़र्क देखने को मिलता है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया iOS 15 प्रॉब्लम, तो काफ़ी लंबी लिस्ट निकल के आती है iOS 15 की जो प्रॉब्लम्स है उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट निकल के आती है, देख सकते हो आप। लेकिन इसमें से हमें सारी प्रॉब्लम शो नहीं करी, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो बैटरी ड्रेन की है। फिर उसके बाद अनलॉक आईफोन विद एप्पल वॉच फीटर नॉट वर्किंग, ऐप क्रैशिंग, वाईफाई नॉट वर्किंग, पर्सनल हॉटस्पॉट मिसिंग, एंड जो टच आईडी अनेबल है आपका, टच आईडी आपका यहाँ पर काम नहीं करता है, और यहाँ पर ब्लूटूथ की नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम यहाँ पर शो करती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें गूगल पे जब मैंने सर्च किया तब यहाँ पर ये काफ़ी लंबी लिस्ट निकल के आती है, लेकिन इसमें से मुझे 5 to 6 प्रॉब्लम शो करी है 5 to 6 मंथ के अंदर iOS 15 में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो ये मैंने iOS 15 से अभी तक अपडेट नहीं किया है, जबकि iOS 15 का न्यू अपडेट आ चुका है 15.2.1। तो यहाँ पर हो सकता है एप्पल इससे आगे वाले अपडेट में अपना ठीक कर सकता है इन सारी प्रॉब्लम्स को। तो अभी मैं रेकमेंड करूँगा अभी आप डाउनलोड ना ही करें तो बेहतर होगा। iPhone 7, आपका iPhone 6s, 6s Plus एंड 7 Plus एंड iPhone फर्स्ट, जो आपका ऐसी फर्स्ट जिसे कहते हैं हम, ऐसी फर्स्ट में इसे आप डाउनलोड ना ही करें इन फ़ोनों में तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बैटरी ड्रेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जबकि ये जो नया आपका अपडेट आया है इसमें एप्पल ने खुद बोला है कि इसमें जो मैसेजिंग की जो प्रॉब्लम है, जो मैसेजिंग में लिंक ओपन नहीं हो रही है iCloud की, वो प्रॉब्लम इसमें ठीक करेगा। ये भी वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करना है इसे, शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पे। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड कोई प्रॉब्लम हो आईफोन से रिलेटेड आप उसे कमेंट कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, एंड वेट वीडियो को इतना लाइक करिए ये वीडियो एप्पल के पास पहुँचे, और आपकी इन फ्यूचर आने वाले अपडेट्स में ये प्रॉब्लम्स एप्पल ठीक करके दे। वीडियो को करिएगा दबा के लाइक, एंड आईफोन से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप उसे कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। टेक केयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स।